मैं इतना खुश हूँ, मतलब हम सभी इतना खुश है। 5 न्याय हक उन्होंने जाहिर किए, वही उनका जीत का पहला स्टेप है। 5 ऐतिहासिक अनाउंसमेंट। सबसे पहला, हिंदुस्तान की हर गरीब महिला को सीधे बैंक अकाउंट में हिंदुस्तान की सरकार साल के 1 लाख रुपए देगी। मैं बहुत खुश हूँ, इस महिला को जो 1 लाख रुपए उनके खाते में जाएंगे तो महिला को एक सक्षम बन जाएगी, खुद का रोजगार वो करने के लिए सक्षम हो जाएगी। दूसरा ऐतिहासिक काम, सरकारी वैकेंसीज में महिलाओं को 50% आरक्षण। महिलाओं के हाथ में अगर सत्ता दी तो वो अच्छी तरह से काम कर सकती है, उसका उपयोग जनता के लिए हो सकता है। आशा, आंगनवाड़ी और मिड डे मील में जो काम करती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भाग है उसको हम दुगना कर देंगे। अपनी आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी सेविका और मिड डे वाली जो महिला है, सही में उनको उन्होंने न्याय दिया है, क्योंकि अभी हमने देखा दिल्ली में 20 दिन से ज्यादा आशा वर्कर्स उनके हक के लिए लड़ रही थी, लेकिन उनको देखने कोई नहीं आया। और राहुल जी ने आज जो न्याय दिया है, तो अगर सही में केंद्र में कांग्रेस की सरकार आई तो इनको न्याय मिलने वाला है। हर पंचायत में एक अधिकार मैत्री को हम अपॉइंट करेंगे, वो महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में समझाएंगी और उनके अधिकारों के लिए उनके साथ मिलकर लड़ेंगे। हमारी महिला इतनी जाग उठी कि आगे की सरकार, आगे का देश का पंत प्रधान राहुल जी बनेगा, ये तो हम सब महिला ये करके दिखाएंगे। अभी हम रुकेंगे नहीं और रुकने वाले ही नहीं। हर डिस्ट्रिक्ट में हमें सावित्री फूले महिला हॉस्टल खोलने जा रहे हैं। बहुत खुश है कि ये हॉस्टल बनने से सेफ्टी महिलाओं की बढ़ जाएगी और कम खर्चे में महिलाओं को वहाँ रहने की सुविधा उपलब्ध की जाएगी।